अल्लाह एवरी वन हॉप वी आमना रियाज फॉर वॉचिंग आमना इन वेल तो आज जो है वो थर्टीन टू फोटीन रोजा है और सुबह का टाइम है हमने बाज़ार चला था तो सुबह 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 चले जाते हैं वेदर काफ़ी अच्छा था आज का अभी दस ही बज रहे थे तो हमने कहा सुबह ही जाके जो है वो शॉपिंग कराते हैं ईद की शॉपिंग बेसिकली करने जाना था ताकि जो है फिर दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और फिर बहुत बुरा हाल भी होता है तो इसलिए सुबह सुबह जाके जो है वो शॉपिंग कराते हैं तो यहाँ पर जो है ना वो मेरा फेवरेट काम है ए टी एम यूज़ करना किस किस को जो है वो ए टी एम यूज़ करने का मज़ा आता है दिल करता है अकाउंट्स जो है ना वो भरे पड़े हों जितनी मर्ज़ी अमाउंट लिखो और वो बाहर आ जाए इतना मज़ा आता है इसको मुझे तो यूज़ करने का कि ऐसे पैसे बाहर आते हैं और जी बस पकड़ लो तो बाज़ार से पहले जो है वो पहले ए यूज़ किया जाहिर सी बात है पैसे होंगे तो शॉपिंग करेंगे ना तो बस जी वो निकलवाएँ और अब चलते हैं बाज़ार की तरफ तो अभी आप ये देखें कि अभी शॉप्स खुल रही थी जितनी जल्दी हम आ गए थे और शॉप्स तो जो खुल ही रही थी रश ऑलरेडी था कि दुकान खुलें और हम अंदर जाएँ इतनी लेडीज़ थी हैं। और अभी उन्होंने चेयर्स वगैरह भी जो हैं वो सेट नहीं की थी तो यहाँ पर ईद के कपड़े वगैरह लिए थे जो कि अभी मैं घर जा पता नहीं दिखाती हूँ या नहीं दिखाती ये ईद पर ही दिखाऊँगी और शूज़ लेना था मेरे तो यहाँ पर मैं शूज़ चेक करी थी बन जूता जो है ना वो गाउन के साथ काफ़ी अच्छा लगता पहनावा तो मैं सोच रही थी, थी कि मैं जो है वो इस तरह का ले लूँ आप ही कह रहे थे कि तुमने अब गर्मियों में बन जुता लेकिन क्या करना लेकिन गाउन के साथ जो है वो मुझे पहना हुआ काफ़ी अच्छा लगता है बन जुता तो इसलिए मैं जो है उसको चेक करी थी फिर मैंने ये स्किन वाला जो है ना ये ले लिया था एक सैंडल लिए हैं और वो फिर मैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में दिखा दूँगी ये आप ही ले आप ही ने लिए हैं और अब हम वापस जा रहे थे और मिठू की नींद से बुरा हाल हो रहा था और बस ये तकरीबन अब वापस आए थे तो हम बारह बज रहे थे दो घंटे लग गए थे हमें बाजार में यू you नो know, कि छोटी छोटी चीज़ें और कपड़े शपड़े लेने में टाइम तो लग ही जाता है लेकिन ईद की जो है वो तैयारी ऑलमोस्ट हो गई थी और मिठू यहाँ पर था और यहाँ पर जो है ना मैंने बुक्स ऑर्डर की थी दो इंस्टाग्राम पे, पे पेज है एच आई डी नहीं एच आई एफ डी एच ये हिफ के नेम से हैं तो मुझे ये बुक्स काफ़ी अच्छी लगी थी ये इस तरह से इसमें ना आप अपना जर्नी लिख सकते हैं कि आप कैसे जो है वो आपका टर्निंग पॉइंट क्या था आप इस्लाम की तरफ कैसे आए आपने कौन से अच्छे काम किए कौन सी बुराइयाँ आपने रोकी अपने अंदर से मतलब कि ये एक सेफ़ हो जाता है फिर एक टाइम आता है कि जब आप इस्लाम से दूर होते हो या आपका किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा तो अगर आप अपना जर्नल उठा के देखें या कुछ ऐसी चीज़ें बुक्स अपनी मेमरीज़ देखें तो आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितनी मेहनत की थी मतलब ये चीज़ें छोड़ने में या कुछ चीज़ें अडॉप्ट करने में आपने कितनी स्ट्रगल की थी आप उसको कैसे रायगा जाने दे सकते हैं तो ये चीज़ें आपके लिए जो है ना वो एक बन जाती है और ये मैंने अपने लिए मंगवाया रमदान प्लानर येर जो है वो मैंने अपनी किसी फ्रेंड को गिफ्ट करना है और ये रमदान प्लानर मैंने अपने लिए मंगवाया था और ये मुझे बहुत प्यारी बुक लगी है इतनी प्यारी बुक है इसमें अशराज की दुआएँ वगैरह भी हैं सॉरी अगर बैग पर आप लोगों को कोई आवाज़ आ रही है क्योंकि मैं इसी टाइम पर रिकॉर्डिंग कर सकती होती हूँ फिर दोपहर में और रात में तो हिम्मत ही नहीं रहती और बस फिर ये वाली जो है बुक मैंने ऑर्डर की इसके ऊपर डेली जो है वो मैं डेली के साथ जो भी मैंने किया है कौन सा अच्छा काम है कौन सी बुरी आदत मैंने छोड़ी है एंड पेज जो उसकी ईद मुबारक है तो मैं लिख देती होती हूँ कि अगर कल परसों या एक महीने बाद दो महीने बाद साल बाद मैं इसको देखूँगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि ये मैंने ऐसे अपना रामदान गुजारा था और कुछ चीज़ें जो है ना वो आप अगर अपनी रखी होती हैं बच्चे देख के बड़े खुश होते हैं इंस्पायर्ड होते हैं उनको मोटिवेशन मिलती है ऐसी चीज़ें जो है वो देखने से तो बस फिर जी यहाँ पर सारे का टाइम हो गया था और मैंने जो है वो रोल पहले से ही बना कर फ्रीज किए हुए थे और ममा ने जो है वो राइस बनाए थे और साथ जो है ना अफसारी हो गई थी अब ये यहाँ पर रात को ना ये मैंने फर्स्ट टाइम कहे थे कैनन्स के टेंडर पॉप्स मुझे बहुत मज़े के लगे थे ये बहुत जैसे नगेट्स लाइट से होते हैं और मज़ेदार से होते हैं ऐसे ही ये टेंडर पॉप्स थे छोटे थोट छोटे थे चिकन के और फिर राइस जो है वो प्लेन बनाए थे उसके साथ जो है वो मैंने इनको इन्जॉय किया था अच्छा रमज़ान में जो है जाना हमने दुआएं बहुत ज़्यादा मांगनी है मैं सुबह को जाती हूँ कुरान पे और एक बात मैं जरूर कहूँगी कि आप लोगों ने ना लाजमी तफसीर के साथ एक दफ़ा कुरान पाक ज़रूर पढ़ना है अपनी लाइफ में ज़रूर पढ़ना है इतनी उसमें डिटेल है इतनी डिटेल है जिन आयात का मतलब हमने कुछ निकाला वह सोशल मीडिया के ऊपर आ रही होती हैं उनके पीछे एक बहुत लंबी चौड़ी जो है वो डिटेल होती है जो हमें पता ही नहीं होता कि ये आयत कब आई थी क्यों आई थी इसका मकसद क्या था और इस पे क्या हुक्म दिया गया है अल्लाह ताला ने तो एक दफ़ा जो है ना हम सब ने इन शह अहद करें कि एक दफ़ा जो है ना ज़िंदगी में जरूर तफसीर के साथ कुरान पाक तर्जमे के साथ ज़रूर पढ़ना है तो डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया करें लेकिन तर्जमे के साथ पढ़ लिया करें वो कहीं बेहतर है कि हम तीन से चार कुरान पाक जो रमज़ान में ख़त्म कर दें एक चीज़ का मीनिंग ही हमें नहीं पता तो वो कैसे जो है वो हमारे दिलों पर असर कर सकता है कुरान हमारे दिलों पर तभी असर कर सकता है जब हम उसको तर्जमे के साथ तफसीर के साथ पढ़ें इनशाला मैं नेक्स्ट व्लाग्स में छोटी छोटी बातें ज़रूर शेयर करूँगी जो मैंने पढ़ी हैं जो मैंने सीखी हैं हमें कौन कौन से दुआएं जो हैं वो मांगने की ज़रूरत है कौन कौन सी दुआएं जो हैं वो हमें मांगनी चाहिए तो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अफिज